वेतन विसंगति अनुकंपा नियुक्ति समेत लंबित मांगों को लेकर चार कर्मचारी संगठनों ने मंत्रालय के सामने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। इस भूख हड़ताल में चारों संगठन के करीब 100 कर्मचारी शामिल हुए, जबकि शेष 2.5 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की है। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के एलएन शर्मा सहित कई कर्मचारी इस भूख हड़ताल में शामिल हैं। कर्मचारी और सरकार के बीच में संवाद के जितने रास्ते हुआ करते थे, वो सभी रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। ना तो परामर्शदाती समिति की बैठकें हो रही हैं, और ये एक व्यवस्था बनाई गई थी कि एक माननीय मंत्री जी कर्मचारी मामलों का प्रभार देखेंगे, और वो निरंतर कर्मचारियों की बातें सुनते थे। तो वो व्यवस्था भी पिछले 5 साल से समाप्त है, तो कर्मचारियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा अपनी बात रखने का। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष की जाए। मध्य प्रदेश में विगत 2 वर्ष से पदोन्नति पे बैन लगा हुआ है और लगभग 55,000 कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। हमारी मांग है कि भूतलक्षी प्रभाव से पद रिक्त होने की दिनांक से ही सभी पात्र कर्मचारियों अधिकारियों के लिए पदोन्नति दी जाए। भारत सरकार के समान अनेक भत्ते हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे भारत सरकार ने एजुकेशन भत्ता शुरू किया है 10 साल पहले, वो भत्ता आज भी हमें नहीं मिल रहा। ईएल की संग्रहण की सीमा भारत सरकार ने 300 दिन कर दी है, यहाँ आज भी 240 दिन है। भारत सरकार ने पेंशनेबल सर्विस 25 वर्ष कर दी है, लेकिन यहाँ आज भी 33 साल चल रही है। तो ये सब मांगे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिपिक वर्ग की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन 14 जुलाई को सौंप दिया है, जिसमें 23 अनुशंसाएँ की गई हैं लिपिकों के हित में, वो आज तक लागू नहीं हुई हैं। चतुश्रेणी कर्मचारी को प्रोफेशनल टैक्स से मुक्ति दी जाए और चतुश्रेणी कर्मचारियों के पदनाम बदले जाएं। ये सब मांगों को लेकर के हमारा आंदोलन चल रहा है। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन आकाश बैरागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।